तो भाई अभी भी हम दोनों मर गए, तो अभी हम दोनों मरे तो अभी हमें वापस से री करना पड़ेगा भाई मैच। फिर से चलते हैं, फिर से री कर लेते हैं, कोई नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही मर गए भाई। मैंने गड़बड़ करी भाई इसमें, और ये भी दिखाता हूँ तुम्हें क्या कर रखा मैंने। अरे यार ये बार बार लकड़ा डाल के खुल रहा है, अरे दिखाना चाह रहा था पर अभी मैं मुँह से बता देता हूँ कि आलोक लिंक पे लगा रखा है भाई 50% का, अगर एक बार हो गया ना 100% तो आलोक तो मिल जाएगा भाई मेरे को, और फिर मैं आलोक की स्किल पर लगा लूँगा। फिर मेरे पास दो दो तगड़े तीन तीन तगड़ी स्किल हो जाएंगी, एक तो स्टाइल की अपनी क्या बोलते हैं उसको कौन सी वाली स्काइलर की हमारी कौन सी होती है, हाँ स्काइलर की ये ब्लू बोल्ट होने वाली, ये वाली स्किल लाल लाल सा गोला फेंकने वाली, आलोक की हील करने वाली स्किल भी आ जाएगी, हर सेकेंड 5-5 का हील करती है और कुछ एक टाइम पीरियड तक रहती है, तो वही उसको आलोक को अपग्रेड कर करके टाइम पीरियड भी लंबा कर लूँगा उसका, और फिर आएगा मजा भाई। और तीसरी स्किल मेरी रहेगी अपनी, वो एक करेक्टर है नाम नहीं पता मेरे को उसका, वो हर कॉम्बैट हर डैमेज के बाद देता है वो हील 15 का, क्योंकि मैंने अपग्रेड कर रखा उसे, स्टार्टिंग में वो 5 का देता था। और आखिरी स्किल क्योंकि स्काइलर रखूँगा तो स्काइलर की स्किल तो बिना स्किल स्लॉट के आएगी, तीन स्किल का स्लॉट, तो आखिरी स्किल बचती है अपनी वो वाली, नहीं मैंने वो रख रखी है अपने प्लेयर की जिसका नाम है ये मिगेल, मिगेल की स्किल हर किल पे टीपी मिल जाता है मेरे को, और फिर मैं उसे टीपी से मस्त अपना हील करते रहता है वो। और अगर ऐसा मैप हो 3-4 ऑल जैसा, उसमें तो भाई बहुत तेज़ी से करता है, नहीं क्राफ्ट लैंड मैप वाले में बहुत तेज़ी से करता है भाई, 25-25 CP करके करता है डायरेक्टली एक ही बारी में हील, तो ये भी अच्छी बात है। और ऊपर मेडिकेट दिख चुकी है तुरंत, और जंपिंग शूज होते थे ज़्यादा जल्दी पहुँच जाता मैं, भी दिखाता हूँ जंपिंग शूज क्या है। हे उठ जा भाई, नेटवर्क इशू थोड़ा चल रहा है मेरा। चलो हैंड कैनन मिली है भाई, हैंड कैनन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं पर जंपिंग शूज बहुत अच्छे हैं, क्या तो मैं कह सकता हूँ, ऊपर पड़ी होगी भाई अच्छी वाली। और इधर मिल चुका बैग, बैग तो बहुत ज़रूरी थी भाई। चलो एक और हैंड गन दिखी है, पर एक बारी में एक ही हैंड गन ले सकते हैं, फिर से हैंड गन दिख गई है लैंड माइन। ओ ओ ओ बंदा दिखा, बंदा दिखा, वो मारा गया भाई, मतलब अंदर दो बंदे थे, मतलब अंदर का एक बंदा अभी भी जिंदा है और वो मेरे को भी मारने आ सकता है, तो मैं उसे पहले ही ख़त्म करने जा रहा हूँ भाई। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा शिकारी तो ना होएगा मेरा शिकार, और उसके पास ज़रूर बड़ी वाली गन होगी। और ये रही भाई, यही गन तो चाहिए थी इतनी देर से, नहीं अभी एक गिरा देता हूँ, ले ली ले ली मेडिकेट ले ली, एक और गिरा देता हूँ, एक और मेडिकेट लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक और गिरा देता हूँ, अब उठा लिया मेडिकेट, अभी भी मेरे पास सिर्फ 5 मेडिकेट है भाई। वो बंदा कहाँ गायब हो गया जिसने उसको मारा था, मैं दिखाता हूँ अपने करेक्टर की स्किल, अरे डैमेज ही नहीं हुआ भाई, अभी दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें वो चलाने। अरे यार ये मैं गलत जगह चढ़ गया, नहीं तो इधर से कूद के भी तो आता है डैमेज, मैं क्यों नहीं आ रहा भाई, अभी डैमेज चाहिए तो भाई साहब क्या कहूँ मैं इसको, ये इतनी हाइट से तो आना चाहिए,
आया डैमेज 5 का, हील कर जल्दी, और हील हो गया 15 तक का डैमेज हील कर सकता है। और अभी तो पास में ही आ चुका भाई, अपने ही एरिया में आ चुका है अपना जोन। अभी एक टाइम पीरियड बोला था ना, वही टाइम पीरियड चल रहा है अभी, फिर से कर सकता हूँ इसमें। और अभी मैंने फोन दे, ओ वो रहा, वो रहा, ये भी चल रहा है उधर, मरा है उसी को मारने चलते हैं, उस मरे हुए का लूट लेने जा रहा था मैं, ये खुद ही पिटेगा अभी गंदा वाला। मेरे पास तो पहुंचा भी नहीं हो, अरे भाई कौन मार रहा है, कहाँ से आ रहे हैं ये इतने सारे भाई साहब, पता नहीं किसने फेंका कहाँ से, किसी ने फेंका भाई बहुत दूर से, इधर वाला बंदा ऊपर चढ़ गया, फिर से ऊपर भी युद्ध चल रहा है भाई, बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है इधर, इधर ही यहाँ भी लगता है सारे बंदे भाई, पूरा झुंड बैठ रखा है लगता है इधर, अरे भाई एलिमिनेशन भाई साहब, फिर से खेलता हूँ भाई, जब तक जीतूँगा नहीं ना तब तक नहीं खेलूँगा भाई, 6th पोजीशन में आया मैं, एलिमिनेशन 0 पर डैमेज 300 भाई, एलिमिनेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, 6th नंबर पे आया भी और डैमेज भी है भाई 300 का, 300 तो एक बंदे की HP मैक्स भी नहीं होती, मतलब एक बंदे का किल तो हो ही जाता अगर एक ही बंदे को देता है इतना डैमेज, या फिर एक ही बंदे को दिया हो, क्या पता वो हील कर लिया हो बार बार फिर से। पर भाई बहुत तगड़ा कॉम्बैट चला है ये तो, इसमें तो बहुत ही मज़ा आया भाई, ऐसे ही आए ना बंदे लगातार बहुत सारे, अरे क्या हो गया ये अपने आप ही एग्जिट, तब आए ना मज़ा जब इतने बंदे एक साथ आएंगे, जब नहीं आएंगे बंदे बहुत सारे तो क्या ही मज़ा आएगा भाई, अकेले अकेले 2-3 बंदों से एक साथ लड़ने में मज़ा आता है ना, पर और 1v4 में तो और ही अलग मज़ा है, मुश्किल है पर मज़ा है। अब आना बीच में आ गया और ही खत्म है, और ये किसी को लेने का तरीका है, जो कि दिखने भी है क्योंकि मास्क है पर देख सकते हो, पर ये तुरंत मर जाएगा, वो भाई पूरा ही घुमा दिया मैंने, तो भी चलेगा मैच फिर से, पहले वाले में तो दोनों मर गए थे एक दूसरे से लड़ के, फिर दूसरे वाले में आया मुझे, फिर तीसरा वाला तो भाई बहुत फिर जाता हूँ ओपी है, नहीं मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ओपी जाएगा ड्राइव मारो सीधे का पुलिस तवा नहीं, अरे क्लॉक टावर है उधर भी गड़बड़ जाती है, अच्छा हुआ देख लिया एक बार, क्लॉक टावर भी है भाई, नीचे मत जाओ सीधे जा, नीचे नहीं जाना चाहिए भाई जिंदगी में कभी, पर इतना भी ऊपर नहीं जाना चाहिए कि पेड़ के ऊपर ही टपक जाओ, बिल्कुल नहीं पेड़ के ऊपर तो सोचिए भी मत, और जंपिंग शूज़ और वेस्ट आते ही भाई पैरों पर पड़ा हुआ मिला है, जूता तो पैरों पर पड़ा हुआ मिलता ही है, वेस्ट भी पैरों पर पड़ी हुई मिल गई, और ये मिल गई हमें फिर से अपनी बुलेट्स, और ये गिरते गिरते बचा आधा मैप तो भाई अंदर ही धसा हुआ है पूरा, उसके बैग चाहिए बैग चाहिए, वो रहा दिख गया बैग, बैग नहीं है इधर, है इधर भी नहीं है,
ऊपर होगा ऊपर। अरे मेडिकेट है, ये गोलियाँ तो कहीं पर नहीं मिलेगी, मेडिकेट चाहिए। चलो मेडिकेट मिल गई भाई। बैग चाहिए, बैग बैग नीचे ही मिलेगा भाई, इधर नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। ये बड़ी ही गरीब जगह है वैसे ही। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मैप के पार, ओ भाई बंदा दिखा, आ जा। अरे भाई कहाँ जा रहा है? भाई कॉम्बैट मैच में कहाँ भाग गया है? अच्छा मैच चल रहा था भाई, कहाँ भाग गया भाई? डरफोक बन गया मैच में पूरे, भरे पड़े बंदे बड़े बड़े भाई। अरे भाई कहाँ से मार रहा है? अब मारने से क्या फ़ायदा भाई? मैं रेडी नहीं था तब मार रहा था भाई। ये डरफोक बंदा है कुछ ज़्यादा ही। और इधर इस मैच में तो भाई अंदर रहना तो बहुत बड़ा रिस्क है। और ये मिल चुका है, आखिरकार मिल ही चुका है बैग भाई लेवल 3 का। अभी मैं जितनी हो सके उतनी गोलियाँ भी रख सकता हूँ, मेडिकिट भी रख सकता हूँ। चलो भाई फिर से इधर ही चलते हैं मेडिकेट लेने। और सेफ जोन भी 26 सेकंड में श्रिंक होने ही वाला है, तो उससे भी बचने के लिए तैयारी करनी शुरू कर देते हैं अभी से। लैंडमाइन भी रख लिए, लैंडमाइन तो अभी लगा देता हूँ भाई। कहीं कहाँ पे लगाऊँ? यहाँ पे लगा देता हूँ। भाग भाई साहब, कैसे भगाया है भाई इसको? इसको तो गंदा वाला भगाया है, अभी अंदर घुसा होगा जरूर। अरे कहाँ गया? बोरा 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 अरे भाई मेरे को भी मार दिया, तो मरी।